तो सबको थैंक्स वगैरह बोल देते हैं, और नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 4 मार्च, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, तो बस मंदिर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। वैसे हर साल मैं मंदिर से ही शुरुआत करती हूँ, पहले मंदिर जाती हूँ उसके बाद कहीं जाना होता है, तो वैसे इस बार भी मंदिर जा रही हूँ। और एक रीज़न और है मंदिर जाने का, क्योंकि अनाई के पापा को निकला हुआ था चिकन पॉक्स, जैसे इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था, तो उसके लिए भी दर्शन करने जाना था। तो मैं संडे को ही भेज रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से कहीं बाहर निकल नहीं रहे थे, तो ये हुआ कि पहले दर्शन कर लो उसके बाद कहीं जाओ। तो संडे हो रहा था और दूसरे दिन सोमवार भी था, तो मम्मी लोग बोली कि सोमवार को ही चले जाना क्योंकि दिन भी सही है और कल एनिवर्सरी भी है तो दर्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मुझे याद ही नहीं था एनिवर्सरी का, तो आज के दिन जा रहे हैं और चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। और चलिए जब तक मैं रेडी हो रही हूँ तब तक आपको दिखाते हैं कि कौन कौन मुझे विश किया है। तो ये देखिए कितने सारे लोगों ने मैसेज किया है, जिसमें से 2-4 मैसेज अनाया सीन भी कर चुकी है। अनाया स्कूल से आते ही देखी कि इतने सारे मैसेज हैं, तो वो सीन कर चुकी थी और रिप्लाई भी करने की कोशिश कर रही थी शायद, तो मैं देखी कि मोबाइल में क्या कर रही है। तो ये देखिए जिस मेरे भैया का है मैसेज, हैप्पी एनिवर्सरी बोले, थैंक यू भैया। तो मैं उसको अनाया से मोबाइल दी कि कहीं उल्टा सीधा कहीं मैसेज ना कर दे, तो कुछ मैसेज सीन कर चुकी थी तो वही मैं देख रही थी कि कहीं कुछ भेजी ना हो गलत सलत। ये देखिए ये पूनम दीदी हैं, ये सुबह ही मैसेज सॉरी फ़ोन की थी और काफ़ी फ़ोन सुबह से आ रहा था और मैसेज भी। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड फ़ोटो वगैरह भी मांगी थी जो कि मैं देख नहीं पाई थी, शाम को देखी तो मैंने कहा चलो अब क्या ही लगाएगी, तो इसलिए मैं फ़ोटो नहीं दी। ये देखिए अपनी मस्त सी फ़ोटो भेजो, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, थैंक यू। तो मैं सोची पहले चलो मैसेज सीन कर लेते हैं, रिप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फ़ोटो वगैरह भेजते हैं। तो काफ़ी सारे मैसेज थे, काफ़ी सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे थे, फेसबुक पे थे, फेसबुक पे उतना मैं चलाती नहीं हूँ इसलिए उस पर कम थे। तो ये देखिए काफ़ी सारे लोगों ने स्टोरी भी लगाई थी और स्टेटस भी लगाया था। तो ये जो मैं दोपहर में दिखा रही हूँ, सुबह से जो दोपहर का टाइम था इतने में जो लगाए थे उसका मैं दिखा रही हूँ, बाकी बहुत सारे लोगों ने शाम को मैसेज किया था और स्टोरी लगाई थी और ये क्या बोलते हैं स्टेटस लगाया था, तो वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि उसका मैंने वीडियो ही नहीं बनाया है। और ये मेरे फ्रेंड लोग हैं जो कि ये भाई है मेरा, खूब सारे हैं, उन मैसेज आ भी रहे हैं। तो चलिए देखिए कौन कौन मैसेज किए हैं और मिलती हूँ तैयार होके। बहुत भूख लगाए है, देखो खूब सारे लोग का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, खूब सारे लोग का, सबका भी मैं थैंक्स बोली। और ये आ ही रहा है अभी, ये भी मेरी बहन ही लग है, बुआ की लड़की है, बुआ गुआ, थैंक्स थैंक्स। ये तो मैं लगाई थी, ये लगाई है, ये लगाई है, क्योंकि किसी का मैसेज अभी सीन नहीं की हूँ मैं, तो सबको थैंक्स वगैरह बोल देते हैं और नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता क्योंकि सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, तो ये देखिए मतलब ये दीदी है मेरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, थैंक्स। ये हैं मतलब दीदी हैं लगती हैं, हैप्पी एनिवर्सरी स्वीट हार्ट, खुश रहो मस्त रहो, थैंक यू सो मच। तो ये देखिए यहाँ पे रिया ने भी काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई थी और स्टेटस पे लगाया था, काफ़ी लोगों ने स्टेटस लगाया था जिनका वीडियो मैं नहीं बना पाई तो सॉरी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने शाम को भी मैसेज किया था और उनका वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइए, सिंपल से रेडी हुई हूँ, कुछ ज़्यादा झाम ताम मैंने पहना नहीं है, बस ऐसे ही ईयरिंग डाल लिया है मैंने जो मेला से मैंने लाया था और गोल्ड वाला पहना नहीं है क्योंकि आज मंदिर पे भीड़ रहेगा इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा जाम थाम पहना नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्योंकि इस टाइम हो ही गया है, चलो चलते हैं।
मैच कर रहा है ना। हम भी दोनों मैच कर रहे हैं। सभी लोग मैच कर रहे हैं। अब सोने नहीं पहन के जा रहा है तो हो गया। तो यहाँ पे मम्मी मेरी इयररिंग की तारीफ कर रही थी, बोल रही है कान में तो जैसे चूड़ी लटकाई हुई है। तो मैंने कहा गोल्ड का मैंने नहीं पहना है क्योंकि वहाँ पे भीड़ रहेगा, कोई रिस्क ले नहीं सकती, इसलिए मैंने ये वाला पहना है और अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे दीदी बोल रही है कि चूड़ी तो मैच मैच कर रहा है, सब कुछ एकदम मैचिंग। और मेरी दीदी और मैं भी मैच कर रहे थे, बड़ी मम्मी और मेरी मम्मा भी मैच कर रही थी, सब ब्लू हो गए थे, बस मेरी दादी ही येलो थी, मेरे पापा भी ब्लू थे और बस दादी ही येलो थी। बाकी सब लोग मैच कर रहे थे, सबका कपड़ा मिक्स मैच था। तो चलिए चलते हैं, मेला से चलोगे ना। यही से डाल दो, कौन कौन डालेगा? हम डालो ना, उतरो की क्या? हाँ उतरो मत, लेकिन नीचे किसका गिरा है? मेरा। कितना बढ़िया देखो लहर है, गिरता भी गिर गया, वो गिरा गिरा वो गिरा मेरा नीचे। जाओ जल्दी, जाओ जाओ जल्दी, उतरो उतरो उतरो। सब उतर रही है, मेरा वाला चला गया। चलो बैठो बैठो, आ जाओ, इन लोग को बैठा लो, तब बैठो, हमको दे दो। हो गया, एक बार डाल दी, सबको डालने का शौक, दे दो दे दो दे दो। चलो नन्नू बैठो, आ जाओ हम लोग बिना गंगा जी के जा ही नहीं सकते। वही तो जिस जगह पे हम लोग हैं, धीरे धीरे खुदाई हो रही है। हाँ देख रही, मेला ही पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया, भैये का है। हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, अब चलते हैं। स्लीपर वगैरह ही गाड़ी में ही उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहीं पे उतार देते हैं। और ये देखिए, ये है ब्रेड का फैक्ट्री, यहीं से सारे जगह का ब्रेड जाता है। अनाई के पापा बता रहे थे, तो ऐसे ही बताते रहते हैं, सब कुछ नॉलेज देते रहते हैं हमको। और काफ़ी जगह ले भी गए हैं, जैसे शॉप में, हाँ आइसक्रीम फैक्ट्री ले जा चुके हैं, चॉकलेट एजेंसी ले जा चुके हैं कि कहाँ से लाते हैं, मतलब जितने इलाहाबाद में जाते हैं सारे जगह से वहीं पे जाते हैं, वहीं से जाते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले यहाँ पे फ्रूट वगैरह ले लेते हैं। और यहाँ अंदर घुसो ना तो जितने दुकानदार हैं, ले लो हमारे यहाँ से बस ये बोलते हैं। बहुत गंदा लगता है मुझे कि किसके यहाँ से लो किसके यहाँ से ना लो। तो चलिए चलते हैं अब अंदर मंदिर के। कहाँ? ये इधर इधर साइड वाला साइड, चलो उधर ही ले लो, आओ जाओ मम्मी ले। खूब ज्यादा लंबी लग गई है यार। तो मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम लोग, फूल माला भी ले चुके हैं। और ये देखिए खूब लंबी लाइन लगी हुई थी, खूब ज़्यादा, और नए नबेले दुल्हन खूब सारे थे। आज सोमवार का दिन था और लगन भी चल रहा था इस टाइम, तो इसलिए दूल्हा दुल्हन कुछ ज़्यादा ही थे, मतलब आज के दिन ही पूजा होता है। तो ये देखिए काफ़ी सारी भीड़ थी, खूब लंबी लाइन लगी हुई थी, हम लोगों ने भी लाइन लगाया था।
वही भीड़ में मम्मी की तारीफ हो रही थी, ये जो दुल्हन थी वो कह रही थी ये साड़ी कितनी मस्त है, और जो उसकी आगे वाली साड़ी थी वो कह रही थी यही लाइन में, ये साड़ी तो सबसे हट के है, मतलब इतना तारीफ हो रही थी वहाँ, पूछो ही मत। तो हम लोग आए हैं आलोपिन मंदिर, जो कि श्री माँ अलंबकारी देवी शक्तिपीठ भी कहा जाता है, जिस नाम से है, बाकी आलोपिन मंदिर ही हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, यहाँ पे केवल झूले की पूजा होती है, और झूले के नीचे चबूतरा बना हुआ है जो कि उसके जल को बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं पे ख़त्म, मिलते हैं इसके आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।